हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ये जली लाइट। सुबह के 6 बज गए हैं और मुझे नींद नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, पता नहीं क्यों नहीं आई है। शायद मैंने दवाई खा ली थी रात की, उस वजह से नहीं आई है। हस्बैंड मेरे अभी सो ही रहे थे, मेरा बिस्तर हमका नॉर्मली लाइट चालू करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें आ नहीं रहा। बेटी छोटी सो रही है और इधर अभी बिस्तर लगा हुआ था, मैं ऊपर ही सो रही थी। ये चीकू महाराज जी जो कि हमारे चरणों में रहते हैं बेचारे अच्छे से, और बेटी छत पे से आई है अभी चाय बनने के लिए रख रहे हैं क्योंकि अब नींद तो आ नहीं रही, इसको भी नींद नहीं आई है। छत पे से उठ के आई है तो छत पे ही सो गई थी, मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर भी सोई है, थोड़ी देर सोई है। तो चाय बन रही है और ये कुछ मूली पड़ी थी इसको निकाला है। अब जब नींद नहीं आई है तो मैं नाश्ता बना के उसके बाद ही सोऊंगी। यहाँ पे बनेंगे मूली के पराठे, लेकिन वो 9 बजे बजेंगे बनेंगे। छत पे चले गया, मैं यहाँ पे आके बैठी हुई थी टेबल पे आराम से, अंदर बाहर ही हो रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम सुबह का टाइम पे, ठंडा ठंडा। ऊपर ही ले उन्होंने अपनी और मेरी चाय, पापा को नीचे ही दे दियो क्योंकि ये सोएंगे ना, फिर इनको तो अभी सोना है थोड़ी देर। मेरे हस्बैंड को वैसे भी नींद बहुत कम आती है। अरे यार, छत पे भी ऐसी हो रहा है। मोटर चालू करने गई थी तो मोटर चालू थी, नीचे दीदी ने कर दी होगी और रोशनी काफ़ी अच्छी हो गई है। सूरज देवता निकल गए हैं, ठंडा लग रहा है इसलिए मैं नहा नहीं रही हूँ। और वैसे इस टाइम काफ़ी गर्मी होती है, अगर मैं पिछली बार नहीं उससे भी पिछली बार की बात करूँ, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है ना, कौन कौन। हाँ, पिछले साल नहीं उससे भी पिछले साल, तो इस टाइम जो गर्मी पड़ रही थी, बच्चों की छुट्टियाँ ही थी तो कई बार नींद नहीं आती थी, तो सुबह सुबह नहा लिया करते थे इसी टाइम। लेकिन इस अभी का जो मौसम है नहीं नहाया जाएगा, बहुत ठंड लगेगी। मेरा जैसे तो बंदा बिल्कुल ही, ये चारपाई बिछी पड़ी है, चद्दर है, पंखा लगा पड़ा है, तो बड़ी बेटी इधर ही सोती है, सुबह उठ के जाती है। देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं मेरे, रेशमी घने बाल उड़ रहे हैं। आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है। एक्सरसाइज करने का दिल कर रहा है थोड़ी सी। मैं एक रस्सी लेके आई थी टापने के लिए कि जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो होगी नींद पूरी। सुबह सुबह उठ गई, सोई नहीं, मैं भी पूरी रात जागती रही। काय काय, कैसे दिखेगी? ये है वो लड़की जो इसी समय बातें कर रही हूँ। वो कह रही है मैंने कहा सुबह सुबह उठ गई, कह रही नहीं, मैंने कहा सोई नहीं, कहती नहीं, मतलब अकेले मेरे साथ नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे हैं, रात पर नींद नहीं आती भाई। और ऐसे टाइम में जब जिम्मेदारियों से एकदम हटे पड़े हैं, सन्यासी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, तब तो सच में बहुत ही, ना बच्चों को सुबह भेजने की झंझट है, ना हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, ना दोपहर के लंच की टेंशन है। नाश्ता तो जब बन रहा है बन रहा है, नहीं तो सीधा दोपहर का खाना ही बन रहा है। ये देखिए यहाँ से सूरज ढंग से दिखते नहीं है, जल चढ़ाना होता है ना तो बस हम इस रोशनी को देख के ही चला लेते हैं, प्रॉपर सूरज नहीं दिखते। पहले दिखा करते थे, ये घर नहीं बना था। जैसे कि मुझे इस घर में रहते काफ़ी साल हो गए हैं, 12 साल लगभग हो रहे हैं, तो ये सारे घर ना नीचे थे, हमारा ऊंचा था, ये भी सामने ही बना है, तो यहाँ से इतने अच्छे से सूरज दिखता था, दिख जाते थे। देखो तो मैं पानी डाल दूँगी जब उठ गई हूँ। ये देखिए बॉटल पड़ी है पानी की, सारी पानी वानी पिया है, गिलास पड़े हैं, अब ये बर्तन पड़े हैं। इधर से 12 बजे तक, 1 बजे तक तो मैं भी ऊपर ही थी, तो ये सब नीचे जाएगा अभी। ये ट्राईपॉड बेचारा ऊपर ही है, इसको नीचे लेके जाना है क्योंकि किचन में वीडियो बनाते हुए हाथ में फ़ोन पकड़ना बहुत मुश्किल काम लगता है, डर लगता है गिर ना जाए। तो चलिए, एक बार मैंने बनाया था रात का व्लॉग कि रात को कैसे टाइम कट रहा था, और ये मतलब टैंकी भर गई है अपनी, स्विच ऑफ द मोटर बटन नीचे कर लेंगे, सिंह कर लेंगे।
चालू किया उन्होंने स्लो जा। हाँ तो मेरी तो हो गई है काफ़ी अच्छी सैर और अब बन के आ गई है चाय। ये कह रही है मैं सोई थी, मुझे लगता नहीं है सोई थी, या तो आधे घंटे के लिए नींद लगी होगी। तो चलिए आप भी सुबह सुबह की चाय पी लो 6 बजे की, जो कि आई थिंक कितने 2 साल तो हो गए होंगे हमें उठे हुए, 2 साल हो गए हैं, क्योंकि करी तो थी मैंने उस टाइम भी, 2 साल हो गए हैं हमें सुबह 6 बजे उठे हुए। पिछले साल 1.5 साल, हाँ 1.5 साल हो गए होंगे, स्कूल जब मैं जाती हुई थी तब भी उठे थे, तब तो तेरा 11 बजे का स्कूल था ना, 2 दिन ही तो गई थी सुबह। हाँ तो वो तो एक रूटीन के हिसाब से काफ़ी टाइम बाद ही उठे हैं। चलिए चाय पी लेते हैं हम लोग और इंजॉय करते हैं अपने सुबह की 6 बजे की चाय। पापा को दे दी? हाँ। चलो बढ़िया है। सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ी हवा और गर्मा गर्म चाय, दोनों का कॉम्बिनेशन तो क्या कहना, मतलब इसके लिए लफ्ज़ कम है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा मौसम था मुझे, बल्कि हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, तो चादर पड़ी थी ऊपर, मैंने वही अपने पैरों पर रख ली, क्योंकि सच में यार ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और कोशिश करेंगे कि चलो उठ जाए, मैं अपनी बेटी को कह रही थी, कह रही मम्मी इतनी जल्दी तो नहीं, कम से कम 9 बजे उठा लेना। मैं कहा देखते हैं, मुझे तो खुद नहीं लग रहा है कि शायद ही उठ पाए, ये तो रात सोए नहीं है तो जाग रहे हैं, अगर सो गए होते तो आज भी नहीं उठ पाते। लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सारा ही काम मतलब रूटीन सारी चेंज हुई पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम वक्त के साथ बहुत जल्दी ढल जाते हैं, फिर सब कुछ खुलेगा, फिर वैसी ही लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और हम इस लॉकडाउन को याद कर रहे होंगे। गिलहरी देखिए, हम एकदम पास बैठे फिर भी बिल्कुल नहीं डर रही है, और 3-4 गिलहरियाँ एक दूसरे के पीछा कर रही थी, इतनी फुर्तीली में भागती ना, मैंने कैमरे में शूट करने की कोशिश करी तो एक दिख रही है दूसरी नहीं दिख रही है, बहुत दुखी करती है मुझे तो। 7 बज रहे हैं, 1 घंटा हो गया छत पे आए हुए, और धूप बहुत अच्छी निकल गई है। अब नीचे जा रही हूँ मैं, इधर छत पे क्या किया है वो आपको दिखाती हूँ। इधर पूरी छत को धोया है, जैसे कि सारी छत इधर से लेके ये वाली जगह सारी धो दी। नोनी सिर्फ इस वाले पौधे में पानी रह गया, बट ये इधर है ना तो रह जाता है, पूरे पौधों में पानी डाल दिया है, सब पौधों में पानी डाल दिया है। ये आगे करके इसके पीछे सब रगड़ रगड़ के धोया है झाड़ू से, अब इसको बेटी सेट कर देगी, अब दोपहर को पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, दिखाया था ना पिछले ब्लॉक में बेचारा कैसे मुरझा गया था, पत्ता डैमेज है, इसी में डाल देती हूँ, खाद बन जाएगी। और अभी तो नहीं, 10 बजे आऊँगी, फिर वो जो गेहूँ पड़ा है वो डाल दूँगी, अब नीचे ही डाल दूँगी इधर चद्दर बिछा के, फोल्डिंग खाट को इधर ही कर देती, पकड़ी इधर से, इस चद्दर पर नहीं डाली होगा, तेरे को भी बोलूँगी ना इधर कर दे, क्या करना है बैठेगा तू, इस चद्दर पे गेहूँ डालियो ठीक है, ये वाली पे, इस पर नहीं डालनी, गिलहरी काट देगी। और ये जो चाय के बर्तन और रात के बर्तन थे इधर ही धो दिए, क्योंकि छत पे ही हमने थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो रखा है, मांजने वाला रखा है। कूड़े का उठा लेगी, कूड़ा निकला है पर ना निकला है, ये टूट रहा था डिब्बा, इसी में भर दिया है सारा कूड़ा। कहती है ना सुबह उठा दिया मम्मी, उठ जा, हम तो काफी देर के उठे हुए हैं। नोनी मैं चाय भी पी ली हमने, तो उठा 7:30 बज गए, तू ही बोलती है, नहीं तो मैं नहीं उठाती यार, मुझे पहले बताती ना मैं, तो फिर चलना उठ जा ना, इतना भी क्या मस्ती माने, उठ जा उठ जा, देख तू ही बोलती है, मैं तभी उठा रही हूँ, नहीं तो फिर वही है 11-12 बज जाएंगे, फिर मत बोलियो ठीक है, ना उठाओ
या थोड़ी देर में उठाऊं? देर में उठाना। चलो ठीक है। और इधर मैं अंजू को उठा रही थी तो वो कह रही है नहीं अभी नहीं उठना, लेकिन उसकी नींद टूट गई थी और वो आ गई थी कि अब मेरी नींद टूट गई है। और फिर उसके लिए भी एक पराठी बना दी थी, एक एक बनाई थी तीनों की, हस्बैंड ने अभी खाना नहीं था तो अंजू को तो पता भी नहीं था मूली के बन रहे, उसे पसंद नहीं है, वो कहती है इससे अच्छा तो प्याज के ही बना देते हैं। मैंने कहा मूली इसमें से निकाल ले, प्याज भी बीच में डले में प्याज प्याज लगा के खा लियो तू। तो बस हमारा आज का सुपर डुपर सुबह 6 बजे से लेके अभी 8:30 ही हो रहे हैं, 8:30 बजे तक का रूटीन देख लें जो कि कभी कभी देखने को मिलता है। अच्छा देखिए लॉकडाउन लगा है, वैसे हम लोग छुट्टियां मांगते हैं, जैसे मैं भी हूँ तो मैं भी ये सोच रही हूँ थोड़ी सी छुट्टियां मिल जाए, थोड़ा सा आराम मिले, जैसे बच्चों को स्कूल की छुट्टियां पड़ती है समर की तो हम लोगों को भी थोड़ा आराम हो जाता है डेली रूटीन में, सुबह उठो सब काम वाम करो। बच्चों को होता है कि हम डेली डेली सुबह सुबह उठ के सर्दी गर्मी स्कूल जा रहे हैं, अब गर्मियों में छुट्टियाँ मिली है वो खुश होते हैं, लेकिन इस टाइम तो इस छुट्टियों से कोई भी खुश नहीं है। पिछली बार भी यही था और इस बार भी यही है, दोनों बच्चे भी यही सोच रहे हैं स्कूल खुल जाए, और मैंने तो अपनी छोटी बेटी का एडमिशन ही करवाया है, एक दिन भी स्कूल नहीं गई है बेचारी, एक दिन भी, बस साइन वगैरह करने गई थी, पूरा टाइम वो घर में ही मतलब पढ़ाई होती रही है क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में ही स्कूल चेंज करवाया था प्राइवेट वाला, फीस ले रहे थे कुछ करवा रहे नहीं थे, तो मैंने कहा जब साल बचाना है तो इसमें क्यों फिर गवर्नमेंट में डाल के मैं बचा लेती हूँ। तब मैंने ये सोचा था इस साल डाल दूँगी सब कुछ सही होगा, लेकिन इस साल भी ऐसा ही रहा, और अब तो चेंज नहीं करूँगी क्योंकि 7th क्लास में हो गई है और 12th तक का वो स्कूल है, तो अब चेंज करना बेकार है, जिसमें पहले पढ़ती थी वो 8th तक का था, तो अगर मैं चेंज करके डालूंगी भी तो मेरे को निकालना पड़ेगा 1 साल बाद। तो चलिए जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, ये सोच के अपना इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहाँ पे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।